जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक तरह से? दोस्तों आज बातचीत कर रहा हूं वाशरमैन का जॉब प्रोफाइल कैसा है। बहुत सारा भाई ने मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, सर वाशरमैन का जॉब प्रोफाइल बताइए कैसा है जॉब, और इसमें प्रमोशन होगा क्या नहीं, इसका सैलरी कितना मिलने वाला है, इसको राइफल मिलेगा क्या नहीं। सबसे ज्यादा सवाल है दोस्तों, राइफल मिलेगा क्या नहीं वाशरमैन में, प्रमोशन होगा क्या नहीं, फैमिली रखने के लिए सुविधा मिलेगा क्या नहीं, ड्यूटी कैसा है दोस्तों, कितना घंटा है, सभी क्वेश्चन पूछ रहे। दोस्तों इसके सभी का जवाब मैं दे दूंगा। दोस्तों मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबाना। दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोगों ने वीडियो बना, तो जो भी अटैचमेंट का लेके एसएससी से कोई भी आप लोग सवाल मुझे पूछना चाहते हो प्लीज कमेंट में कीजिए। तो अब क्योंकि देखिए फोन करने से मुझे क्या है, रिसीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, घर में भी आने के बाद भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग पहले कमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए तो फिर को स्टार्ट कर लेता हूं। दोस्तों वाशरमैन का जॉब प्रोफाइल कैसा है, दोस्तों जैसे आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, होने के बाद आपका क्या है, आपको ड्यूटी कितना टाइम रहेगा, आपको क्या काम करना पड़ेगा, दोस्तों ऑफिस का टाइम और ड्रेस कोड क्या है, सब कुछ बताता हूँ। दोस्तों जैसे आपका वाशरमैन का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आपको यूनिट या ग्रुप सेंटर आपको मिल जाएगा। दोस्तों जैसे मिल जाएगा, दोस्तों आपका ड्यूटी क्या रहेगा, दोस्तों आपका क्या है, फर्स्ट बात बता देता हूँ, आपको हेडक्वार्टर भी मिल सकता है, ग्रुप सेंटर भी, मतलब हेडक्वार्टर यूनिट में मिल जाएगा तो हेडक्वार्टर भी मिल सकता है, नहीं तो कंपनी में भी आपको भेज सकता है। दूसरा बात है आपको ग्रुप सेंटर भी पोस्टिंग हो सकता है, कोई ऐसा ये नहीं है दोस्तों। और मेन बात रहता है आपको दोस्तों वाशरमैन के लिए, दोस्तों आपको जैसे आपको यूनिट में रहेगा तब भी आप लोगों को उधर कपड़ा भी धोना पड़ेगा। दोस्तों आपका टाइम क्या है, आपको खुद का टाइम है दोस्तों, आप सुबह से लेके आपको क्या है अपना टाइम है, आपको सुबह कपड़ा सभी आदमी दे देगा, बहुत आदमी दे देगा जिसको कपड़ा धोना है, आपका पास जाके दे के आएगा। अब कॉन्स्टेबल से लेके ऑफिसर से लेके सभी का कपड़ा क्या है, सभी का नहीं ही देगा, किसी किसी का देगा और आपको धोना भी पड़ेगा दोस्तों, कपड़ा धोना पड़ेगा, आपका वो काम है। और आपका नाश्ते का टाइम भी रहेगा, खुद का टाइम, आप 8 बजे से 9 बजे तक आपका लंच, मतलब नाश्ते का टाइम रहेगा, लंच का टाइम है आपका 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, वही टाइम है दोस्तों, फिर 3 बजे से 6 बजे के अंदर आपको शाम को भी आपका खुद का काम रहेगा। ऐसा नहीं आपको कोई बोलेगा आके आप प्रेस कर लीजिए अभी, ऐसे नहीं बोलेगा, आपका खुद का टाइम है, आपको काम करना पड़ेगा उसी टाइम, क्योंकि आपको देना पड़ेगा जॉब चाहिए। आपका मेन काम आ जाता है आपको सुबह, आपको कपड़ा धोना पड़ेगा, उसका बाद कपड़ा सुखाना पड़ेगा, सुखाने के बाद आपको प्रेस भी करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपका वाशरमैन का काम है। किसी का दोस्तों प्रेस करने के लिए भी दे सकता है, किसी का आपका धोने के लिए भी दे सकता है दोस्तों, ये आपका काम रहेगा, डेली का काम रहेगा दोस्तों, आपको संडे मंडे ऐसा कोई सिस्टम नहीं फोर्स में दोस्तों। हो सकता है आपको ग्रुप सेंटर में मिलने से आपको संडे को आपको रेस्ट मिल भी सकता है, ज्यादा आदमी रहेगा तो एक एक आदमी का रेस्ट भी मिलता है। और दोस्तों इसमें आप लोगों को यूनिट में रेस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, रेस्ट वही है दोस्तों आपका खुद का टाइम है, ड्यूटी आपका नाइट ड्यूटी कोई ऐसा नहीं रहेगा आपका। जैसे आपका एक रूम रहेगा और उसमें आपको क्या है थोबी का जो ऐसे थोबी घाट भी बोलता है, थोबी मतलब क्या है, थोबी शॉप भी बोलता है, उसमें क्या है थोबी में आपको क्या है जो रूम है उसमें प्रेस भी रहेगा और आपको खुद में भी रहने के लिए भी मौका मतलब मिलता है, क्योंकि श्रीनगर में तो ऐसा होता है जहां भी प्रेस करता है वो उधर ही रहता है दोस्तों, रूम उसका उधर ही होता है। इसलिए दोस्तों और आपको श्रीनगर पोस्टिंग मिलेगा उधर तो आपको गर्म पानी भी मिलेगा, बा गर्म पानी से भी आपको थोना पड़ेगा क्योंकि ठंडी है उधर। इसलिए दोस्तों आपको क्या है यही काम होता है दैनंदिन, आपका राइफल लेके आपका ड्यूटी नहीं होता है दोस्तों, ये आप मान के चलिए राइफल आपको नहीं मिलेगा, आपको मिल सकता है आपको जैसे फायरिंग करने के टाइम आपको मिल सकता है, साल में एक ही बार फायरिंग होगा आपको तो तब आपको मिल सकता है, नहीं तो जेडीबीटी के टाइम में भी आपको राइफल मिलेगा क्योंकि आप कॉन्स्टेबल बन गया है दोस्तों, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्यूटी दोस्तों आपको इसमें आपको क्या है प्रमोशन लेना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा वो भी मैं बता दूं, प्रमोशन लेना है तो दोस्तों आपको ड्राइवर तक आना पड़ेगा, ड्राइवर के लिए आने से आपको हैवी लाइसेंस चाहिए, 3 साल के बाद ही आप आ सकता है ड्राइवर तक। ऐसे आपका जॉब तो ठीक है, आपको सिर्फ कपड़ा धोना है और प्रेस करना है दोस्तों, वही काम है दोस्तों। और बात आ जाता है आपको शाम को 6-7 बजे से बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों, सुबह आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ आपका जो ये होगा तो बीचों में उधर ही आपको पानी का जो पॉइंट रहेगा आपको कपड़ा धोना है और आपको उधर ही आपको काम करना है दोस्तों, कोई मार्का रोल कॉल का फटिक नहीं है, दूसरा जैसे जीडी का जवान करता है इधर भी करेगा उधर भी करेगा ड्यूटी भी रहे, ऐसा आपका कोई नहीं रहेगा दोस्तों।
ड्यूटी तो आपको मैं बोल दिया हूँ दोस्तों, उसका बाद आ जाता है दोस्तों आपको बाहर ड्यूटी भी जाना का कोई जरूरत नहीं, वो भी मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। उसका बाद आ जाता है दोस्तों आपको क्या है, सैलरी कितना मिलेगा दोस्तों, आपको बाकी सुविधा कैसा है दोस्तों। सैलरी सेम बराबर है दोस्तों, जीडी जैसा सैलरी है, जीडी को 40,000 मिलेगा तो आपको भी मिलेगा दोस्तों, और पूरा सेम सैलरी है दोस्तों। सैलरी का भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग देख लेना। उसका बाद आ जाता है दोस्तों आपको फैमिली परमिशन क्या है दोस्तों। फैमिली के लिए रखने के लिए बहुत ही सुविधा है, क्योंकि आपको नाइट पूरा फ्री मिलता है, ना कोई आपको रहे कहीं घूमने के लिए भी जा सकता है 6 बजे के बाद, आपको कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। जीडी जैसे जवान जैसे आपको नहीं, आपको जगह का हिसाब से अनुसार आपको क्या है फैमिली रखने के लिए भी परमिशन मिल जाएगा दोस्तों। उसका बाद आ जाता है दोस्तों और क्या क्या सुविधा, कैंटीन का सुविधा सभी का है क्या, सीपीसी कैंटीन है दोस्तों आपको भी पता है। और मैस है दोस्तों, मैस में आपको खाना खाना पड़ेगा, जैसे आप यूनिट में रहेगा श्रीनगर हो कहीं भी हो, और आप फैमिली रख रहे हैं तो आप क्वार्टर ले रखा है तो क्वार्टर में भी खा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। और आपका ऊपर है खुद मतलब खाना भी बना के भी आप क्वार्टर ले रहा है तो आप खा सकते हैं, किंतु कैंप के अंदर ऐसा बात नहीं है, आपको मैस में खाना पड़ेगा और वो पैसा तो सरकार दे देता है ऑलरेडी। उसका बाद आ जाता है दोस्तों और फिर और क्या है उसमें, लीव कितना दिन में, लीव दोस्तों बराबर है जी डी जी से 2 महीने ही है, सी एल है 15 दिन, ये भी क्लियर हो गया है दोस्तों। और बच्चे के लिए दोस्तों आपको मिलेगा साल में 27,000, और आप 2 बच्चे होगा तो 54,000 आपको मिल जाएगा 4 साल के बाद जैसे एडमिशन कराएगा दोस्तों, ये हो गया। उसका बाद आ जाता है दोस्तों आपको क्या है, लीव वर्क का बारे में भी बोल दिया मैं, कैंटीन के बारे में भी बोल दिया हूँ, सब कुछ आपको बोल ही दिया हूँ। प्रमोशन के लिए भी मैं बोल दिया, हवलदार तक जा सकता है तो आप प्रमोशन